नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल अवध फार्मलैंड्स में। जैसा कि आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद पड़ रहा है। कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला मुझे पिछले 2 महीने। तो ये देखिए, हमारे काफ़ी सारे पौधे जो सूख गए थे बाढ़ में, ये सेटोनीला है, ये काफ़ी हद तक वापस आ गए हैं। अब की बार हम इनको थोड़ा कहीं ट्रांसप्लांट करेंगे। हालांकि सेटोनीला की खेती करने का मेरा कोई इरादा है नहीं, मार्केट में इसकी कोई डिमांड आज की डेट में है नहीं, और 900 रुपये 700 800 रुपये इसका तेल बिक रहा है। जैसे मैंने सुना, जो लोग लेके बैठे हैं उनकी भी कोई डिमांड नहीं है, तो वो परेशान है कहाँ बेचें। और ये मेरा सिम शिखर वेराइटी लेमन ग्रास का, इसकी भी कटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद से कुछ अच्छी खासी बढ़त हो गई है। और इसके पीछे आप देखेंगे, ये सब मेरा सरसों है। सरसों अब की बार काफ़ी बड़े पैमाने पे किया था, बड़े पैमाना मतलब मेरे जितने खेत हैं उनमें। तो ये भी अब फसल तैयार है और जस्ट 1-2 हफ्ते ही बचे हैं इनको काटने के। देख सकते हैं अच्छी अच्छी मिली है इसकी फसल। और अब आपको आगे लेके चलता हूँ दूसरे जगह पे। ये मेरी पौध है सिम शिशिर तुलसी की, जो आपको सामने दिख रही है। पौधे काफ़ी कम हैं, लेकिन अब की बार मैं इसको मेंथा के साथ मिक्स क्रॉपिंग करूंगा, क्योंकि मेंथा तो जून तक कट जाती है, मई जून तक। लेकिन ये क्योंकि पेरिनियल फसल है, साल भर रहती है, इसलिए इसको मैं साथ में लगाऊंगा, ताकि मेंथा के कटने के बाद भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले। उसके बाद देखिए, ये मेरी मेंथा की नर्सरी है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये मेंथा के पौधे लगे हैं। नर्सरी लगी है, मेंथा की शक्कर है। ये भी अभी कुछ दिनों में इसके भी पौधे निकल आएंगे, तब इनको इसी, कम से कम इस बार हम 3 एकड़ में मेंथा करेंगे। तो आगे मैं इसका आपको स्टेटस दूंगा। फ़िलहाल इसको लगाए हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया और अभी तक पौधों में कोई बढ़वार दिखी नहीं है, बहुत कम ग्रोथ है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, इस बार हमने थोड़ी सी आलू भी लगाई थी घर के लिए, बहुत कम आलू है, लेकिन ये आलू है। और इसके बगल में ये वाले जो आप पौधे देख रहे हैं, ये है, अब मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा ये क्या है, लेकिन मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा सामने लिख के, याद आने पे वीडियो को एडिट करते वक्त। ये आलू है और यहाँ पे हमने जानवरों के खाने के लिए बरसीम बोई थी। और इसके आगे ये जो देख रहे हैं, ये हमारी जौ की फसल है। अब की बार हमने गेहूं न लगा के जौ लगाया, क्योंकि जौ एक मोटा अनाज है और काफ़ी पौष्टिक है। अगर हम जो घरों में मल्टीग्रेन आटा खरीदते हैं बाबा रामदेव टाइप से लोगों से, तो उसमें जॉब का भी 1% होता है। और ये सरसों, और फिर ये देखिए, ये हमारी सिम शिशिर तुलसी। इस तुलसी की खासियत यह है कि इसका लिनालूल कंटेंट 70% होता है, और ये तुलसी साल भर होती है। आपको लेमन ग्रास की तरह इसको बस काटना है, तेल निकालना है, काटना है, तेल निकालना है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसमें बीज नहीं होते, और आप यहाँ से इसको काटेंगे, ऊपर का फूल हटा दीजिए, इतनी बड़ी स्टिक आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो एक पौधा बन जाएगी, 10-15 दिनों में जड़ आ जाएगी, उसके बाद ये पौधा लग जाएगा। हालांकि मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी ये खेत हमारे बाढ़ वाले हैं, और यहीं पे मैं इसको ट्राई करूँगा, थोड़ा ऊँची जगह पर लगा के देखूँगा। अगर बाढ़ आई और नहीं आई तो ये फिर आगे बढ़ जाएगा खेत। और जो मैंने आपको कहा था कि मैंने सरसों के साथ लेमन ग्रास लगाई है, तो आज दिखाता हूँ लेमन ग्रास की क्या हाल है। ये सरसों बस कटने वाली है, और लेमन ग्रास की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये पौधा लेमन ग्रास है, ये भी लेमन ग्रास है, उसी तरह वो लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास, जितने भी आपको पत्तेदार बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं वो सब लेमन ग्रास है। शायद वीडियो में आपको क्लियर समझ ना आए, लेकिन लेमन ग्रास है ये सब पौधे। तो जब ये कट जाएगी तो लेमन ग्रास के तब तक 4 महीने पूरे हो जाएंगे,
और इसके बाद इसका ग्रोथ का टाइम सही शुरू होगा। तो इसके आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा अगले वीडियोस में, तो बने रहिएगा वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों।